पाकिस्तान बारूद के ढेर में बैठा हुआ नजर आ रहा है। अब वहां विदेशी राजनयिक भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान में विदेशी राजनयिकों को निशाना बनाकर बड़ा आतंकी हमला किया गया। इस घटना के बाद दुनिया भर में आतंकवाद के लिए पहचाने जाने वाले शहबाज के मुल्क की एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय बेचैनी। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कंट्राब। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अब तक द कंटाब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल द कंटाब को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब खबर की ओर रुख करते हैं। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के स्वात जिले में एक बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई जबकि चार अन्य घायल हो गई। बताया जा रहा है कि ये विस्फोट आतंकियों ने विदेशी राजनयिकों को निशाना बनाकर किया। इस विस्फोट में रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल किया गया। किसी आतंकी संगठन ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। बताया जाता है कि खैबर पख्तूनवा के स्वात जिले से मालम जज्बा जा रहे विदेशी दूतों के काफिले की सुरक्षा कर रही पुलिस वैन को निशाना बनाकर विस्फोट किया गया। यह हमला विदेशी राजनयिकों के एक समूह को निशाना बनाकर किया गया। जिस पुलिस वाहन को निशाना बनाया गया वो 11 विदेशी राजनयिकों को ले जा रहे काफिले में सबसे आगे था। मृतक पुलिसकर्मी की पहचान बुरहान के रूप में हुई है जबकि चार घायलों में एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। इस हमले में सभी राजदूत सुरक्षित हैं, उन्हें इस्लामाबाद भेज दिया गया है। ये विस्फोट शेराबाद उपनगर में उस समय हुआ जब राजनयिक मिंगोरा में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक कार्यक्रम के बाद मालम जज्बा जा रहे थे। काफिले में कजाकिस्तान, ईरान, इथोपिया, पुर्तगाल, रूस और अन्य देशों के राजदूत शामिल थे। घायलों को सैदू शरीफ स्थित जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान के अनुसार जरदारी ने हमले में मारे गए पुलिस अधिकारी को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने इस घटना में घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस हमले की निंदा की है। बता दें कि 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से पाकिस्तान के खासकर खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान के सीमावर्ती प्रांतों में हिंसक हमले बढ़े। बता दें कि पाकिस्तान में तहरीक ए तालिबान यानी TTP और शहबाज सरकार आमने सामने है। TTP लगातार सेना, पुलिस अधिकारी और सरकारी अधिकारियों को निशाना बना रही है। अभी पिछले महीने ही स्वात के बनर पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ था जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने दोनों प्रांतों में घातक हमलों में तेजी से वृद्धि देखी गई। आतंकी हमलों की संख्या जुलाई में 38 थी मगर अगस्त में ये बढ़कर 59 हो गई। वहीं अगस्त में खैबर पख्तूनवा में 29 आतंकवादी हमलों में तकरीबन 25 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान में हुए इस घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल द कंट्राब को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए द कंट्राब। धन्यवाद।